इन दिनों गदर, जो 2001 में रिलीज हुई थी, एक प्रेम कथा के रूप में लोगों के दिलों पे जगह बना चुकी है। इस फिल्म ने अपनी दमदार कहानी, शानदार निर्देशन और अदाकारी के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। अब लोगों के बीच गदर 2 मूवी के बारे में काफी चर्चा हो रही है, जिसकी रिलीज 11 अगस्त को होने की उम्मीद है। गदर 2 की कहानी में सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे प्रमुख किरदार दिखाई देंगे। इस मूवी में नए कलाकारों को भी मौका मिला है और यह दर्शकों को उनकी पहली गदर फिल्म की याद दिलाएगी। गदर 2 की टीम ने इसे एक बड़े स्केल पर बनाया है, जिसमें उच्च गति के एक्शन सीन्स, दिलचस्प कहानी और रोमांटिक रिश्तों को दिखाया गया है। गदर 2 में रही शख्सियत का किरदार निभाने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि इस बार भी लखनऊ को मूवी के अंदर लाहौर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण यह है कि लखनऊ के स्मारक जो लाहौर के स्मारकों से काफी मिलते जुलते। सर, 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज हो रही है। जी नौजवानों को बेसब्री से इंतज़ार है। लखनऊ के अलग अलग मकामात पे शूट हुई है, आपने भी उसमें एक्टिंग की है। क्या कुछ फिल्म बयां कर रही है और लखनऊ ही को क्यों चुना गया फिल्म के लिए खास तौर से? देखिए, गदर एक प्रेम कथा जो आई थी पहले 22 साल पहले, उसमें लखनऊ को लाहौर दिखाया था। तो लखनऊ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो नवाबी ने अवध ने बनवाए हैं, वो एक वजह है जो फिल्म इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती है कि लखनऊ आए और यहाँ पर शूट करें, क्योंकि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो लाहौर में जिस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं उससे मिलते जुलते हैं। तो एक कल्चर को भी वो शो करता है। उसके अलावा अब गदर जो दूसरी बन रही है 22 साल बाद, उसका प्लॉट जो है वो डिफरेंट है। उसमें वो अपनी बीवी को लेने के लिए तारा सिंह जो हैं वो जाते हैं पाकिस्तान, वो एक उनका मिशन होता है अपने बेटे के साथ। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तो है ही, जिससे कि ये जो है पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में वो अपने मिशन को पूरा करते हैं। तो लखनऊ से बेहतर कोई ऐसी जगह उन लोगों को मिली ही नहीं जो कि शो करें कि वो पाकिस्तान है। तो हमारे घर पर भी शूटिंग हुई है, इसके अलावा लमाटिया बॉयज़ में हुई है, पहले भी हुई थी, ताज होटल में हुई है, जहांगीराबाद पैलेस में हुई है, फिर मलियाबाद में, काकोरी में, फिर हुसैनाबाद के जितना हेरिटेज जोन है, कैसरबाद का हेरिटेज जोन है, उन सब जगहों पर हुई है। बड़े मामबाड़ा, छोटे मामबाड़ा, ये शीश महल में हुई है। शीश महल का जो एंट्रेंस का गेट है, वहाँ से पूरा वो एक जुलूस का, जैसा कि हम लोग ट्रेलर में देख रहे हैं, वो हुआ घंटाघर के वो हुई है। तो इस तरह के पूरे वो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि एक कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को शो करते हैं, वो उसकी वजह है कि लखनऊ में यहाँ पर गदर 2 भी शूट हुआ। और हमने इसमें एक पाकिस्तान के डिग्नेटरीज हैं, उनमें से वन ऑफ द डिग्नेटरी का हमने कैरेक्टर किया है, और हमारे कुछ सीन्स हैं इसमें कि सनी देओल साहब के साथ भी हैं और मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ हैं। तो बहुत मज़ा आया। और जैसे कि उम्मीद है, जैसे गदर 1 जो थी वो हिट हुई थी, इसकी भी उतनी ही उम्मीद है कि ये भी हिट होगी। इसलिए क्योंकि उतनी ही मेहनत से और उतने ही जज्बे के साथ ये भी बनाई गई है, और 2-3 गाने तो वही हैं जो कि उसमें थे, जैसे कि मैं निकला गड्डी लेकर, उड़ जा काले कामा, ये इस तरह के 2-3 गाने जो हैं वो हैं। उसको फिर से नए अंदाज में, उसको नए सिंगर्स द्वारा गवाए गए हैं, जैसे कि जुबिन नौटियाल ने गाया है, तो उसमें उन्होंने गाया था, आपके उदित नारायण जी ने गाया था। तो कुछ चेंजेस तो वक्त के साथ होते हैं, और इसमें सनी देओल साहब का तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है ही। उसके अलावा उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल शर्मा साहब के बेटे हैं, जो उस फिल्म में जो बच्चा था वो अब जवान हो गया है, तो वो उन्होंने जवानी का वो कैरेक्टर किया है जो सनी के बेटे का, तो बहुत अच्छा किया है। फिर मनीष वाधवा जो हैं वो इसमें, जो अमरीश पुरी साहब का कैरेक्टर था, तो अब इसमें एक जनरल जनरल का कैरेक्टर है, वो मनीष वाधवा साहब ने किया, जो कि आपने देखा होगा पठान में एक विलन का कैरेक्टर उन्होंने किया था, जो गंजे से थे। उसके अलावा मनीष वाधवा ने चाणक्य का कैरेक्टर जो है टीवी सीरियल वगैरह में किया, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। तो उनसे हमारी एक फ्रेंडशिप टाइप की हो गई थी, उनके साथ भी हमारे सीन वीन हैं, तो बहुत मज़ा आया। और जब यहाँ घर पर हो रही थी तब भी बड़ा एक फैमिली के लिए एटमोसफियर था, क्योंकि सबसे हम लोग पहले से मिले हुए थे, और उनसे अनिल शर्मा साहब से 22 साल पुरानी हम लोग की मुलाकात थी, तो बिल्कुल जैसे लगता है कि एज अ फैमिली मेम्बर
फिर लमाटिया में जब शूट हो रहा था तो अनिल शर्मा साहब की बर्थडे भी वहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी, तो उसमें हम सनी देओल और अनिल शर्मा साहब उनकी फैमिली और बाकी जो आर्टिस्ट थे वो सब लोग सबने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो काफ़ी मज़ा आया। और हमें उम्मीद है कि 11 अगस्त को ये भी रिलीज़ हो रही है तो उसी जज्बे और जोश के साथ सब लोग पिक्चर हॉल्स में जाएंगे देखने के लिए और ये भी इंशाल्लाह हिट होगी। ऋषभ चौरसिया की रिपोर्ट, लोकल 18, लखनऊ के लिए।